आई हैव वर्क विद मिताली बिफोर और उनका काम मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बस बहुत रिक्वेस्ट की इनसे कि प्लीज़ मेरी फिल्म में कुछ आप थोड़ा सा मैजिक क्रिएट कर दो एंड थैंकफुली शी एग्रीड टू इट. तो आई एम हैंडलिंग ओवर टू मिताली नाउ. या थैंक यू देव, ही इज सच अ काइंड एंड हम्बल पर्सन. सो या तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, इन्होंने बड़े प्यार से पूछा एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क विद देव बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक एंड वेरी ऑनेस्ट एक्टर. सो मैंने इनके साथ में फर्स्ट एक फिल्म की थी ऑलरेडी एंड दैट्स हाउ वी केम टू नो ईच अदर. थैंक्स टू लॉलीपॉप सर, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फिल्म बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द इवेंट राइट नाउ. And but he has sent a lot of love to everyone and best wishes to Dev, Smriti and everyone else. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सॉन्ग है, मुझे जब मिताली ने बोला कि ऐसा सॉन्ग हम लोग करने वाले हैं तो इन्होंने सडनली मुझे जैसे जैसे बताया और मैंने भी उस चीज़ को उससे ऊपर जाके सोचा और जब उसका रिजल्ट निकला तो ये आपके सामने था और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी ये सुन के हुई है जब सब ने बोला वंस मोर. बात करते हैं जहाँ से ये फिल्म की शुरुआत हुई है और सबको मालूम है मेरी डेब्यू फिल्म यारियाँ है, लेकिन यारियाँ से पहले जब मैं 10-11 साल पहले मुंबई आया था तो आपको मालूम ही है आराम नगर और चार बंगला यहाँ सब ऑडिशंस होते हैं, तो मैं ऑडिशंस दिया करता था और खाली टाइम में जाके हम लोग ये सामने जो इन्फिनिटी मॉल है यहाँ पर सबवे खाते थे. तो मैं ऐसे ही एक दिन थका हारा ऑडिशंस वगैरह दे के जाके सबवे खा रहा था और एक सज्जन आए और बोले कि आप एक्टर हैं. मैंने कहा हाँ सर, कोशिश कर रहा हूँ बनने की लेकिन अभी अभी शुरुआत है, कुछ एड्स वगैरह शूट किए हैं, बाकी तो अभी कुछ खास किया नहीं है. तो उन्होंने बोला कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो आपको हीरो लूंगा. तो मुझे लगा कौन है और ऐसा इन्फिनिटी मॉल में फूड कोर्ट में आके ऐसे कौन बोलता है. तो मैंने बोला ओके थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लग रहा है. तो उसके बाद उनसे कोई परिचय नहीं हुआ, कोई कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा और करीब 8-9 साल बाद 2018 में मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपको याद है आपको मैं इन्फिनिटी मॉल में मिला था. तो वो है हमारे प्रोड्यूसर उमेश राणा जी. कल्पना काफ़ी एक मैच्योर गर्ल है जो एक रिसर्च के लिए गांव में आती है और फिर बहुत मॉडर्न लड़की है जो गांव में आके उसे एनवायरनमेंट एंड ऑल बहुत अच्छा लगने लगता है. तो वहाँ पे वो धीरे धीरे ढल जाती है और वहाँ की चीज़ें मतलब ग्रैब करने लग जाती है. तो अब बाकी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन कल्पना बहुत ही मैच्योर लड़की है और ठीक है. मैं इस तरह का किरदार पुल ऑफ कर पाऊंगा क्योंकि समटाइम्स इवन आई डोंट इवन लुक इंडियन और यहाँ मुझे गांव वाला बनना था. तो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी और मुझे लगा ऐसे चैलेंज जल्दी जल्द से नहीं मिलते हैं एक्टर्स को, तो इस वजह से मैंने इस फिल्म के लिए हामी भरी. देव ये चाहना चाहूँगा कि आप यार ऐसी फिल्म में कास्ट हो चुके हैं जी, तो अच्छा रोल देखिए, तो क्या कहना चाहेंगे जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा लेवल, फिर बाद में आप एक्टर चूज हो जाता है इस प्रोजेक्ट को लेकर? एक बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा सा आपका सवाल है कि यारियाँ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब जब आप कोई और प्रोजेक्ट करते हैं, नए प्रोजेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जब मैं मुंबई आया था तो ये सोच के ही नहीं आया था कि मुझे यारियाँ या टी सीरीज़ की फिल्म करनी है या साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती करनी है या जौहर एंटरटेनमेंट की फिल्म अभी जौबिया करनी है. मुझे परफॉर्म करना था, मैं सिर्फ वो सोच के आया था कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद है. जहाँ मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जो मुझ पर ट्रस्ट करेगा, मैं उसके साथ काम करूँगा. सो बाई गॉड ग्रेस ही हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी कि मुझे काम मिलता गया और मैं करता गया. और अक्षय कुमार जी बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि छोटी फिल्में और बड़ी फिल्में कुछ नहीं होती, आप अपनी ईमानदारी से अगर अपना काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंच जाएगी और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली बिकॉज मूवी है और थिएटर में बहुत ही डिफरेंस होता है क्योंकि आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है. तो मुझे लगता है कि एक वर्कशॉप के थ्रू ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए. जो मुझे सर ने हेल्प किया क्योंकि मेरा ये फर्स्ट मूवी था तो काफ़ी डरी हुई थी मैं कि मैं शायद ना कर पाऊँ, बट डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प किया, मुझे वर्कशॉप कराया. 6 मंथ्स तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया वर्कशॉप और जिसके थ्रू मुझे
नॉलेज हुआ कि हाँ ये भी होता है, क्योंकि थिएटर बहुत ही डिफरेंट है और कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत ही डिफरेंट है, सभी को पता है. बट मेरे लिए था डिफ़िकल्ट था, और आई थिंक किसी भी न्यू आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना. बट अगर सामने वाले जैसे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर को एक्टर अगर अच्छे हो, सपोर्टिंग हो, तो शायद आप परफॉर्म कर सकते हैं. ऐसा है कि अपने शहर को हमें पहचान देना था, और चूंकि हम लोग एक क्रिएशन हमेशा बच्चों के बीच करते रहते हैं कि भाई सोचने की उसे कैसे मैं डेवलप कर सकूं, और यही प्रेरणा ने हमें खींच लाया कि नहीं समाज के लिए कुछ और करना है. तो करना है तो कहां से शुरू कर सकते हैं, तो एक मूवी ऐसे क्षेत्र था जहां से हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकते थे, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते थे. और इस मूवी के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो पर्यटन स्थल है, जो छुपे हुए, वो कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसको कैसे हम हर जगह पर उसको ले जा सकते हैं, देश में पूरे उसके देखा जा सकता है. झारखंड हमारा बहुत समृद्ध है कला और संस्कृति की दृष्टिकोण से, पर्यावरण की दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है. हम लोग चाहते हैं कि इसको एक्सपोज करें. झारखंड में ऐसे कई धरोहर हैं, कई ऐसे हेरिटेज हैं जिनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है. आप देखेंगे होंगे इसमें ऐसे ऐसे लोकेशन है जो काफ़ी टफ हैं, जो आज तक अनटस्ट थे, तो उनको एक्सपोज किया गया है इसके माध्यम से. इसमें मेरा जो रोल है वो है हीरोइन की दद्दा जी, रिटायर्ड कॉर्नल, बहुत ही टफ है अंदर से, लेकिन बहुत ही प्यार करता है अपनी पोती को. आप लोगों को अच्छा लगा ना? जी जी. बस फिर मेरा काम हो गया. मेरा 70% काम हो गया. अगर आप ही लोग हैं, ऑडियंस है, और अगर आप सबको गाना अच्छा लग रहा है और हम सबकी मेहनत आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वी हैव डन आवर बेस्ट एंड वी हैव गिवन आवर 200%, देन वी आर डन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मुझे ऐसा लगता है अगर आप सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो काम आपको ढूंढता है, आपको फिर काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती. चाहे आप बंद कमरे में हार्ड वर्क कर रहे होंगे ना, तो वो गॉड ऊपर से रहेगी और आपको काम दे देगा. और लकीली ये जो सॉन्ग मेरे पास है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये इतने हाई लेवल पे और इतना ब्यूटीफुल दिखने वाला है. मुझे सडनली कॉल आया मिताली का कि ऐसे सॉन्ग है, आ जाओ. तो मैं वो गई करने के लिए, और मुझे वो सॉन्ग सुनते ही इतना मज़ा आया ना कि मैंने उसमें जितना इन्होंने चाहा, सब लोग बोलते मिताली बहुत तंग करते, बट मिताली ने मुझे ज़रा भी कुछ नहीं कहा, और हम लोगों ने इतने ऐसे मक्खन जैसे ये गाना कर दिया.